एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग मई महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 30 मई 2021 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों रियल टाइम में। और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोविड वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल हुआ है? तो यह हुआ है पंजाब सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 90% कोविड-19 सप्लाई के लिए किन्हें फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की श्रेणी में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है आदार पूनावाला को। और इस लिस्ट में जेसिटा हार्डन, इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में संगरूर से अलग कर पंजाब का 23वां जिला कौन बना है? तो मलेरकोटला, यह जो है पंजाब का 23वां जिला बना है। यदि महिला दुथुराई इसकी बात करें तो हाल ही में यह तमिलनाडु का 38वां जिला बना था, जो नागपट्टिनम से अलग होकर बनाया गया था। और विजयनगर जो है वो कर्नाटक का 31वां जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। यदि जेके रॉलिंग की बात करें तो इनकी हाल की एक पुस्तक आई थी द क्रिसमस पीक। अमिताभ घोष की हाल की एक पुस्तक है लिविंग माउंटेन। और प्रियंका चोपड़ा की हाल की एक पुस्तक है अनफिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि मिताली राज की बात करें तो मिताली राज हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी तथा ओडीआई इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई है। यदि कपिल देव की बात करें तो कपिल देव को हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ द इंडिया में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर उस राज्य के बंदरों की जनगणना की है? तो यह की गई है हरियाणा का। तो यह ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। और इस संस्था ने हरियाणा के साथ मिलकर वहां के बंदरों की जनगणना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में योगन 34 का प्रक्षेपण गोबी डेजर्ट से किसने किया है? तो यह किया गया चीन के द्वारा, योगन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में मानव बच्चे के आकार का मेढक कहां देखा गया है? तो हाल ही में सोलोमन आइलैंड। एक मिनट, यहाँ पे सोलोमन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सोलोमन आइलैंड। हाल में सोलोमन आइलैंड में बच्चे के आकार का एक मेढक देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी के पूर्व सचिव जिन्हें हाल में जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार डेकोरेटर से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। यदि श्यामला गणेश की बात करें तो श्यामला गणेश को भी हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्डन सिल्वर रेज, ठीक है, यहाँ पे इनको स्टार से सम्मानित किया गया है, लेकिन श्यामला गणेश को गोल्डन रेज से सम्मानित किया गया था। और थंगजाम धवली सिंह, इन्हें भी पिछले साल इसी सम्मान से यानी कि सिल्वर अवार्ड, गोल्डन सिल्वर अवार्ड, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य में
स्थापित किया गया है। तो सिंधु दर्शन उत्सव मनाया गया कहा जा सकता है, तो यह हाल में लद्दाख में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि MMA फाइटर जो खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बन गए हैं, तो उनका नाम है अर्जुन भुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में आया चक्रवात ताउती भारतीय सीमा तक पहुंची, जिसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ताउती जो अरब सागर में एक तूफान आया था, उसका नाम जो दिया गया है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया था। इसी तरह से 2020 में बंगाल की खाड़ी में आया था तूफान निसर्ग, उसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। और हाल ही में बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था यास। यास तूफान जो आया था उसका नामकरण जो दिया गया था ओमान के द्वारा दिया गया था। तो इस सब का भी नाम याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके के विटली फंड ऑफ नेचर द्वारा दिया जाने वाला ग्रीन ऑस्कर से के नाम से प्रसिद्ध विटली पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नुकलू फोम जो कि नागालैंड के हैं, इन्हें विटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाने वाला ग्रीन ऑस्कर नाम से प्रसिद्ध विटली पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, विटली पुरस्कार दिया गया है। यदि लिसिप्रिया कांगुजन की बात करें तो यह मणिपुर की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। यदि शरद पगारे की बात करें तो इन्हें हाल ही में व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था, और कृति करंत को हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी कि SEC के अनुरोध पर DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए 2 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दी है? तो दिया गया है कोवैक्सीन का। तो कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दी गई है DGCA यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स सिटिंग नियर द विंडो मैरी थीरेसी किसकी पेंटिंग है, जिसे हाल में 103.4 मिलियन US डॉलर में बेचा गया? तो यह पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग है, वुमेन सिटिंग नियर द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशंस यानी ICAS के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनीषा कपूर को ICAS के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि गुंजन शाह की बात करें तो गुंजन शाह को हाल ही में बाटा के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार की बात करें तो इन्हें हाल ही में चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है, और जोस जे कट्टूर को हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगफिशर इंटरनेशनल प्राइज पाने वाले एकमात्र भारतीय गणितज्ञ जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है MS नरसिम्हन। यदि MNarasimhan की बात करें तो ये RBI के पूर्व गवर्नर थे, इन्हें फादर ऑफ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। यदि स्वैप सौरभ जी की बात करें तो ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, और रघुनाथ महापात्र, इनका भी हाल में निधन हो गया है, ये एक मूर्तिकार थे और राज्यसभा सदस्य थे। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी जिन्हें हाल में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि डॉक्टर राज अय्यर की बात करें तो डॉक्टर राज अय्यर जो है वह USA के सेना के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे। सबरीना सिंह जो कमला हैरिस की प्रेस उप सचिव के रूप में नियुक्त की गई थी, और नैन्सी पेलोसी जो है
वो अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के पद पर नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर उतरा है? तो चीन का मार्स रोवर जिसका नाम है जुरोंग वह मंगल ग्रह पर उतर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2020 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 से सम्मानित किया गया है। यदि ओलिविया कल्पो की बात करें तो ओलिविया कल्पो जो है वह पूर्व यानी कि 2019 की मिस यूनिवर्स थी। एडलिन क्रास्टेलिनो यह भारत की है जो चौथे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय ब्रिटिश को लंदन डेप्टी मेयर फॉर बिजनेस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल को हाल ही में लंदन डेप्टी मेयर फॉर बिजनेस के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि सादिक खान की बात करें तो यह पाकिस्तान के और ये लंदन के मेयर फॉर बिजनेस के पद पर नियुक्त किए गए थे। यदि नीरा टंडन की बात करें तो नीरा टंडन को हाल ही में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। और विदुर शर्मा को हाल ही में COVID-19 परीक्षण सलाहकार जो USA के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के लिए गूगल ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया गया है स्पेस एक्स के साथ। तो यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल स्कूल आश्रम स्कूल इत्यादि में डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में लगभग कितने वर्षों के बाद आयरलैंड में कॉमन क्रेन पक्षी देखा गया है? तो ये जो देखा गया है करीब 300 वर्षों के बाद देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने भारत में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय न्यूज प्रकाशकों के प्रदर्शन के लिए न्यूज शोकेस लॉन्च करने की घोषणा की है? इसके लिए प्रकाशकों को भुगतान भी किया जाएगा। तो यह जो किया गया है गूगल के द्वारा। तो न्यूज शोकेस यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई है। यदि माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो अमेजन जो है हाल ही में मिनी टीवी लॉन्च किया है। इंटरपोल ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है आईडी आर्ट। ये आईडी आर्ट क्या करेगा? तो जो पौराणिक मूर्तियां इत्यादि है तो उसके चोरी इत्यादि को प्रतिबंधित करने में मदद करेगा। और टेलीग्राम जो है वो हाल ही में वॉइस चैट 2.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश में प्राइवेट संस्थानों में केजी से 9th तक के कक्षाओं के लिए विदेशी पाठ्यक्रम को बंद करने का फैसला किया है? तो हाल ही में चीन ने यह घोषणा की है कि कोई भी प्राइवेट संस्थान अपनी मर्जी से केजी से 9th तक के बच्चों के लिए कोई भी विदेशी पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा, सिर्फ सरकारी स्कूलों में चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग HITF किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे होम हो जाएगा, ठीक है। होम आइसोलेशन जो COVID-19 के रोगियों के लिए किया जाता है, तो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग यानी कि HITF किसने लॉन्च किया है? तो ये बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय पदक यानी कि इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है? तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हाल ही में इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया था। यदि इंडिया मेज की बात करें तो इसे हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 से सम्मानित किया गया है। नुकलू फोम को हाल ही में विटली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और शरद पगारे इन्हें हाल ही में
व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मौसम और 24 घंटे महासागरीय परिवर्तन पर निगरानी तथा समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी के लिए महासागर निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो यह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 के बाद पुनः किस राज्य सरकार ने विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है? तो यह किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। और यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक और राज्य था जिसमें विधान परिषद था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को राज्य के स्तर से हटाया गया है और केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, तब से उसका जो विधान परिषद है वह समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 पीड़ितों को में ऑक्सीजन निर्भरता कम करने के लिए किसके सहयोग से 2-DOD-D-ग्लूकोज यानी कि 2DG विकसित की जा रही है? तो इसका हो जाएगा 4 यानी कि DRDO और डॉक्टर रेड्डीज, यानी कि DRDO द्वारा 2DG को विकसित किया गया है और यह जो है डॉक्टर रेड्डीज जो कंपनी है उसके द्वारा इसे उत्पादित किया जाता है। यदि भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक जो है वो कोवैक्सीन को बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि निर्यात में वैश्विक मानकों का पालन करने के लिए देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में किस सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका हो जाएगा बोध, यानी कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर कहाँ स्थापित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 मई को मनाया जाता है और इसी के अवसर पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 संबंधी दान पर GST की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह पहला राज्य बना है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है किन्हें? तो यह किया गया मोहम्मद यूसुफ को, यानी कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। यदि सादिक खान की बात करें तो सादिक खान को हाल ही में लंदन के मेयर बिजनेस के पद पर नियुक्त किया गया था और राजेश अग्रवाल जो भारत के हैं उन्हें लंदन उप मेयर के पद पर नियुक्त किया गया था। यदि रिज अहमद की बात करें तो रिज अहमद को हाल ही में बेस्ट एक्टर के कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, जो ऐसे पहले कलाकार बन गए हैं जो मुस्लिम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ईरान ने फरजात सी गैस परियोजना से किस भारतीय कंपनी को बाहर कर दिया है जिसने वर्ष 2000 में इसकी खोज की थी? तो ONGC विदेश जो 2000 में फरजात सी गैस परियोजना की खोज की थी जो ईरान में है, उससे ईरान ने इसे बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया है? तो यह घोषित किया गया है राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री और बिहार तथा हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का हाल में निधन हो गया है? तो ये राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ICMR ने किस कोविड होम टेस्टिंग किट
जो 15 मिनट में आरटीपीसीआर टेस्ट करेगा, माई लैब टेस्टिंग सॉल्यूशन के द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम है कोविशेल्फ, ठीक है, कोविशेल्फ। तो यह ध्यान रखना है कि 15 मिनट में आरटीपीसीआर टेस्ट करने वाला माई लैब टेस्टिंग सॉल्यूशन के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। माई लैब टेस्टिंग सॉल्यूशन एक कंपनी है जो एक टेस्ट किट लॉन्च किया है जो 15 मिनट में आरटीपीसीआर टेस्ट करेगा। इसे आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। इसका नाम क्या है? कोवी सेल्फ नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वें आवासीय भारतीय हस्तशिल्प मेला दिल्ली का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 51वें आवासीय भारतीय हस्तशिल्प मेला का उद्घाटन किया है जो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के सिंधु दुर्ग जिला में औषधि पौधों का राष्ट्रीय संस्थान खोला गया है? तो यह पंजाब का, तो पंजाब में सिंधु दुर्ग जिला है, यहाँ पे औषधीय पौधों का राष्ट्रीय संस्थान खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने पॉलीएथिलीन प्लास्टिक वेस्ट के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है? तो तुर्की ने हाल ही में पॉलीएथिलीन प्लास्टिक वेस्ट के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में एशिया प्रशांत क्षेत्र में बीमा प्रौद्योगिकी बाजार में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है और चीन जो है इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन भारतीय स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? इसका ऑल हो जाएगा, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यह गंगा घाट जो वाराणसी में है, कांचीपुरम के मंदिर जो तमिलनाडु में है, सतपुर टाइगर रिजर्व जो हायर बंगाल में है, महापसान स्थल कर्नाटक का, मराठा सैन्य दुर्ग वास्तुकला जो महाराष्ट्र में, नर्मदा घाटी पर भेरा घाट और लमेटा घाट, इन सबको यूनेस्को के विश्व धरोहर के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में कौन एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं? तो गौतम अदानी ये जो है वो एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। इसमें पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है और जांग सान खान ये जो है वो तीसरे स्थान पर है। जांग सान सान होगा, ठीक है, जांग सान सान जो अलीबाबा के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए आयुष्मान भारत परियोजना के चयन के मामलों में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो शीर्ष पर रहा है वह है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने मार्था कुम को किस देश की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो ये केन्या के है। तो ये ध्यान रखना है कि केन्या के राष्ट्रपति कौन है, तो उहुरू केन्याटा। इन्होंने वहाँ की महिला मार्था कुम को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है और ये इस पद पर जाने वाली उस देश की पहली महिला न्यायाधीश बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे रेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेड, ठीक है, बेड, बेड की ऑनलाइन जो हॉस्पिटल्स में बेड्स होते हैं उनके लिए, तो बेड के ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुरेश मुकुंद। यदि इंडिया मेजर की बात करें तो इन्हें मिस यूनिवर्स 2020 से सम्मानित किया गया है, नुगलू फोम को हाल ही में विटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और रोमाना सिन्हा को हाल ही में नेशनल मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति यानी कि सिक्योंग कौन बने हैं? तो ये बने हैं पेम्पा शेरिंग। ठीक, पेम्पा शेरिंग जो है वो तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति यानी कि सिक्योंग, जो तिब्बत के लोग हैं वो भारत में निर्वासित हैं, रह रहे हैं, और वो धर्मशाला में अपनी सरकार बनाई है, और उसमें जो सिक्योंग यानी कि राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं वो है पेम्पा तेसिंग। यदि मार्क रूट की बात करें तो मार्क रूट को हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि मिगेल कियाज कैनल इनकी बात करें तो ये हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि देशों में अपना टेलीकॉम मार्केट बढ़ाने के लिए किसने भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम विकसित करने का फैसला किया है? तो ये किया गया जियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में उत्तराखंड है कि चमोली में चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध पर्यावरणविद का हाल में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। यदि राधेश्याम खेमका की बात करें तो इनका भी हाल में निधन हो गया है, वे गीता प्रेस के प्रमुख थे। यदि एम नरसिम्हन की बात करें तो ये आरबीआई से संबंधित थे, और एमएस नरसिम्हन जो एक गणितज्ञ थे, इनका भी हाल में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय हॉकी गोलकीपर को FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो भारत के श्रीजेश परट्टू। ठीक है, श्रीजेश परट्टू जो भारत के, इन्हें शामिल किया गया FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में। इसके साथ साथ मेरालिना रवाचा जो पोलैंड के हैं, मोहम्मद मी जो रूस के हैं, और मट खान जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन सब को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक यानी कि रिन्यूएबल इनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी कि RECAI में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो शीर्ष पर रहा वो रहा USA, इसमें चीन जो रहा दूसरे स्थान पर रहा, भारत तीसरे स्थान पर, और चिली चौथे स्थान पर रहा। तो भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा? तीसरा स्थान रहा, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा सच कहूँ तो किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो नीना गुप्ता की आत्मकथा है। यदि सुनीता द्विवेदी की बात करें तो सुनीता द्विवेदी की हाल की एक पुस्तक आई थी बुद्धा इन गंधर्व। यदि समीर सोनी की बात करें तो समीर सोनी की हाल की एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। और प्रियंका चोपड़ा की हाल की एक पुस्तक है अनफिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में एंटीबॉडी डिटेक्शन किट हाल में एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप कोवैन किसने विकसित किया है? इसे जो विकसित किया गया है ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, और DRDO के द्वारा भी ही हाल में 2DG विकसित किया गया था, जिसका पूरा नाम क्या है? तो 2-deoxy-D-glucose को भी विकसित किया गया था डॉक्टर रेड्डी इसके द्वारा। स्पुतनिक 5 को विकसित किया जा रहा है, और माई लैब टेस्टिंग सॉल्यूशन इसके द्वारा कोविशेल्फ को विकसित किया जा रहा है। कोविशेल्फ एक टेस्टिंग किट है जो 15 मिनट में RT-PCR टेस्ट करेगा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आएगा। कोशिश कर इस सेट को 2-3 बार करके सुने, ताकि इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उसकी अधिक से अधिक आपको जानकारी हो। थैंक यू।